नमस्कार दोस्तों, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म्स इशू कर दिए हैं और इस साल एक नया ऑफलाइन यूटिलिटी जेसन यूटिलिटी के रूप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च कर दिया है और फिलहाल हम आईटीआर 1 और आईटीआर 4 इस यूटिलिटी के थ्रू भर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम आईटीआर 4 यानी कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना बिजनेस करते हैं और जिनको अपनी इनकम सेक्शन 44AD के थ्रू दिखानी है, वो लोग किस तरह से इस जेसन यूटिलिटी का इस्तेमाल करके अपना आईटीआर 4 भर सकते हैं, अपनी बिजनेस इनकम रिपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे, फिल करेंगे पूरे के पूरे फॉर्म को, एक डेमो एग्जांपल लेके चलेंगे और पूरे फॉर्म को फिल करेंगे ताकि आप जान पाओ कि किस तरह से आपको इस यूटिलिटी को फिल करना है। ये यूटिलिटी इस बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है, अभी तक ऑफलाइन यूटिलिटी में एक्सेल यूटिलिटी और जावा यूटिलिटी यूटिलाइज होते थे। इस साल से आप जेसन यूटिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपना आईटीआर फॉर्म भरने के लिए। ये यूटिलिटी काफी आसान है बाकी दोनों यूटिलिटी से, क्वेश्चन बेस्ड है, आपसे स्टेप बाय स्टेप में कुछ पूछा जाएगा आपके इनकम से रिलेटेड, आपको उनके जवाब देते हुए आगे बढ़ना है, हर स्टेप को कंफर्म करना है, अगले स्टेप पे पहुंचना है, इस तरह से पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसको आपको फाइनली इनकम टैक्स की साइट पे जाके अपलोड कर देना है। ये डेस्कटॉप यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके। तो आपको पहले की तरह इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है और आईटी रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जेसन यूटिलिटी का लिंक मिलेगा डाउनलोड करने का। आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 आप देख रहे हो, दोनों के लिए सेम जेसन यूटिलिटी है, आपको अलग अलग डाउनलोड नहीं करना है। तो आपको इस लिंक पे क्लिक करके ये यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने पे एक जिप फाइल आपको मिलेगी, उस जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आपको एक सेटअप फाइल मिलेगी, उस सेटअप फाइल को डबल क्लिक करके रन कर लेना है। रन करने के बाद में एक शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा और जैसे ही आप उसे खोलोगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने में नजर आए। इस यूटिलिटी को यूज करने से पहले सिर्फ एक काम आपको करना है, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ में लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको अपने डैशबोर्ड के माय अकाउंट टैब में आना है। माय अकाउंट के टैब में आपको डाउनलोड प्रीफिल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 का एक लिंक मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करके उस जेसन फाइल को डाउनलोड कर लेना है। इस फाइल की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम अपना ये ऑफलाइन यूटिलिटी यूज करेंगे और इसको भरेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपना ये डेस्कटॉप यूटिलिटी यूज करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम अपना आईटीआर 4 अपनी बिजनेस इनकम के लिए यहाँ पे भर सकते हैं। तो आइए चालू करते हैं। कंटिन्यू का लिंक है, कंटिन्यू के लिंक पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक नॉर्मल सा डैशबोर्ड जैसा है जिसमें फाइल रिटर्न्स का ऑप्शन आ रहा है, फाइल रिटर्न्स पे आपको क्लिक कर लेना है और इंपोर्ट प्रीफिल्ड डाटा एक ही ऑप्शन आ रहा है, इस पे इसको आपको चेक करना है और चेक करने के बाद में कंटिन्यू करना है। फिर आपसे आपका पैन नंबर पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे अपना पैन नंबर टाइप कर दीजिए और यहाँ पे असेसमेंट ईयर पूछ रहा है तो असेसमेंट ईयर में 21-22 एक ही ऑप्शन दिखा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये यूटिलिटी आई है, आप 21-22 सेलेक्ट कर लीजिए और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको इंपोर्ट प्रीफिल्ड डाटा जेसन फाइल अटैच करने बोल रहा है, तो आपको याद होगा हमने एक फाइल डाउनलोड की थी अपने इनकम टैक्स के लॉगिन से, वो फाइल हमको यहाँ पे सिंपली अटैच कर देनी है। अटैच हो गई है हमारी फाइल, सक्सेस मैसेज रिसीव हो गया है और हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हो आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पे शो कर देता है, पैन नंबर, नाम, असेसमेंट ईयर और इंपोर्ट डेट। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको सिर्फ फाइल रिटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। फिर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, अदर हो, तो हम इंडिविजुअल पे चेक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस पेज पे आपसे आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करने बोल रहा है। एज इंडिविजुअल्स हम लोग आईटीआर 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं और 4 भर सकते हैं। इंडिविजुअल्स के लिए यही चार फॉर्म एप्लीकेबल होता है, इन्हीं चारों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म सेलेक्ट करके हमको आगे बढ़ना होता है और वो डिपेंड करता है हमारी टाइप ऑफ इनकम के ऊपर में। हम क्योंकि इस एग्जाम्पल में हम लोग आईटीआर 4 भरेंगे यानी कि हमारी जो इनकम है वो मेजरली बिजनेस इनकम है, इसीलिए हम आईटीआर 4 का सिलेक्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आपने आईटीआर 4 सेलेक्ट किया, प्रोसीड विथ आईटीआर 4 का ऑप्शन मिल गया आपको और यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि ये जो फॉर्म भरना है आपको 3 स्टेप में भरने हैं, वैलिडेट योर रिटर्न ब्रेकअप, कंफर्म योर रिटर्न समरी, वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिसमें आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म भरना है और अपने आईटीआर से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। लेट्स गेट स्टार्टेड का एक टैब दिख रहा है, हमको इस पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप ये क्लिक करते हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हो, क्या आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस हो गई है इसीलिए भरना
चाहते हो या सेक्शन 139(1) के 7th प्रोविजन के तहत आप यह रिटर्न भरना चाहते हो जो कि लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें अगर आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपया जमा कराया है या 2 लाख से ज्यादा पैसे खर्च किए हैं फॉरन ट्रेवल के ऊपर में या फिर 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल भरा है, तो अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है या 2 कंडीशन फुलफिल होती है या तीनों की तीनों फुलफिल होती है, तो अगर आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है तब भी आपको ITR भरना कंपलसरी है, या फिर आप इन दोनों कारणों के अलावा किसी तीसरे कारण से अपना ITR भरना चाहते हो। हम लोग यहाँ पे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यही सबसे कॉमन ऑप्शन है जो 99% लोग अपना रिटर्न भरते वक्त सेलेक्ट करते हैं और इसी कारण से वो अपना ITR फाइल भी करते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया है, यहाँ पे एक मैसेज पॉपअप के द्वारा शो हो रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहाँ कहना चाह रहा है कि आपकी ITR से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, उन्होंने उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यहाँ पे कुछ डाटा को प्रीफिल किया है। अगर आप उनसे सहमत हो तो आप उनको दोबारा चेक करके आगे बढ़ जाइए, और अगर आप उसे सहमत नहीं हो तो आप उसको एडिट करके करेक्ट करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पॉपअप में ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हम इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इस फॉर्म में कई सारे टैब्स हैं। सबसे पहला टैब पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है और यही इनेबल हुआ हुआ है फिलहाल, और बाकी सारे अभी इनेबल नहीं है। तो फॉर्म देखिए समझ में आ रहा है कि जब तक हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले टैब को भर के ओके नहीं करेंगे तब तक हमको दूसरे टैब पे लेके ये नहीं जाएगा। तो हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला टैब पे क्लिक करेंगे और इसको देखते हैं यहाँ पे क्या डिटेल्स हैं, क्या डाटा प्रीफिल हो के आया है, क्या हमको चेंज करना है, ये हम यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। ये देखने के पहले दोस्तों आइए एक नजर हम अपने एग्जाम्पल के ऊपर में डाल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में दोस्तों टैक्स पेयर का नाम हमने मिसेस डेमो वालिया लिया हुआ है, पैन उनका दिया हुआ है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, फादर्स नेम, आधार नंबर और GST नंबर इनका दिया हुआ है। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं जो हमने यहाँ पे ली हैं ताकि हम फॉर्म इसके बेसिस पे भर सकें। इसके अलावा अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम फ्रॉम बिजनेस जो हमें सेक्शन 44AD में रिपोर्ट करनी है वो 550,000 रुपये है। टोटल सेल ड्यूरिंग द ईयर अगर हम बात करें तो 25 लाख रुपए की टोटल सेल मिसेस डेमोवालिया ने किया है जिस साल की ये रिटर्न भरने की कोशिश करेंगी। इसके बाद इन्होंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट दिया है 2,05,000 रुपए का। ये घर इनका सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, इस घर में ये रहती है। हाउसिंग लोन लिया था घर खरीदते वक्त इन्होंने, और जैसा कि हम सभी को मालूम है अगर हमने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं 2 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट होता है और हम अपने इनकम से इसको डिडक्ट करवा सकते हैं। तो वही एक डिटेल दी हुई है कि हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट इन्होंने 2,05,000 रुपए दिया हुआ है। अदर सोर्सेस की अगर हम बात करें इनकम की, तो सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट 12,600 रुपए मिला इनको और FD से इंटरेस्ट मिला है 13,700 रुपए। तो टोटल इनकम इनकी हो गई 781,300। अब अगर हम डिडक्शंस की बात करें तो सेक्शन 80C में इन्होंने 55,000 रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है अपना टैक्स बचाने के लिए, और 80D जो कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड है उसमें इन्होंने 15,000 रुपया दिया हुआ है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आमतौर पे मेजॉरिटी ऑफ दी केसेस में इसी तरह की डिटेल्स रहती हैं जो भी अपना ITR फाइल कर रहे होते हैं। हो सकता है यहाँ पे किसी तरह की इनकम आपके लिए एप्लीकेबल ना हो, हमने यहाँ पे हर तरह की इनकम जो इस फॉर्म में आप ले सकते हो वो हमने ली है ताकि कोई भी जो ये फॉर्म भरे वो इसका बेनिफिट ले सके। अगर आपके लिए मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी वाला इनकम एप्लीकेबल नहीं है तो आप उस सेक्शन को इग्नोर कर दीजिएगा। अदर सोर्सेज वाला ऑप्शन नहीं है तो आप उसको भी इग्नोर कर सकते हैं। बिजनेस इनकम ऑब्वियसली होनी चाहिए ITR 4 भरने के लिए, इसलिए बिजनेस इनकम तो रहेगी रहेगी अगर आप ITR 4 भरने जा रहे हैं। तो इन डिटेल्स के साथ में अब हम देखते हैं किस तरह से हमको फॉर्म अपना भरना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे प्रोफाइल में पैन के बेसिस पे सारी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो गई है। नाम आ रहा है, पैन नंबर आ रहा है, आधार नंबर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रहे हैं, एड्रेस आ रहे हैं, मोबाइल नंबर आ रहे हैं, ईमेल आईडी आ रहा है। फिर यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी इनकम है नहीं तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। फाइलिंग सेक्शन पूछ रहा है आपसे 139(1) ऑटो चेक हुआ हुआ है, यानी आप विद इन ड्यू डेट अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं इसीलिए सेक्शन 139(1) ऑटो सेलेक्ट हुआ हुआ है। अगर कोई ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरता है तो उसको सेक्शन 139(4) लेना है, अपने रिटर्न रिवाइज कर रहा है तो उसको 139(5) सेक्शन लेना है, या किसी नोटिस के तहत आप ये फॉर्म भर रहे हो तो बहुत सारे नोटिसेस के सेक्शन दिए हुए हैं, उनमें से जो भी नोटिस आपको आया है जिस भी सेक्शन के तहत वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आप इस फॉर्म को आगे भर सकते हैं। पर क्योंकि हम नॉर्मल अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं इस साल के लिए तो हमने सेक्शन 139(1) सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे
आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम? तो अगर जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस साल से आप ओल्ड टैक्स रेजिम में भी रह सकते हो, न्यू टैक्स रेजिम में भी रह सकते हो। न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स के रेट्स कम है कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम, पर आपको यहाँ पे इनकम टैक्स में जो डिडक्शन होते हैं उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में ओल्ड टैक्स रेजिम में रहेंगे, क्योंकि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका हम बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे नो पे चेक कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो इसको नो कर देंगे। अब लास्ट में आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपसे बैंक अकाउंट डिटेल्स पूछा जा रहा है। ऑल्दो बैंक अकाउंट डिटेल्स हमारे इनकम टैक्स के लॉगिन में रहता है, इनकम टैक्स के पास ऑलरेडी हमारी बैंक अकाउंट डिटेल्स रहती है, पर यहाँ पे ये ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आया है, तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे और इस पेज पे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाल देंगे। सबसे पहले जैसे ही आप आईएफएससी कोड डालते हो तो आपका बैंक का नाम आईएफएससी कोड के बेसिस पे ऑटोमेटिकली आ जाता है और आपको उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर अपना डालना रहता है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है गेट रिफंड क्रेडिटेड इन दिस बैंक अकाउंट, इसको आप चेक कर दीजिए और एड पे क्लिक कर दीजिए। अब देखेंगे आपने जो बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे दिया था वो यहाँ पे अब शो होने लगा है और यहाँ पे आपको एक मैसेज दे रहा है कि आपका ये बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड नहीं है। तो आपको अपने इनकम टैक्स के लॉगिन में जाके इसको प्री वैलिडेट करना होगा। अगर आप प्री वैलिडेट नहीं करोगे तो अगर आपका कोई रिफंड आना है तो आपको आपके अकाउंट में रिफंड नहीं मिलेगा जब तक आपका ये अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं होगा। तो इस पेज पे दोस्तों हमने सारी डिटेल्स भर ली हैं, चेक कर ली हैं। अब लास्ट में नीचे में कन्फर्म का ऑप्शन है तो हम कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका कन्फर्म हो गया ग्रीन में और जो दूसरा टैब था ग्रॉस टोटल इनकम का वो इनेबल हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, जैसा फॉर्म पे जो चीज पूछा जा रहा है वो हमें चेक करना है या फिल करना है और आगे बढ़ना है। तो अब हम नेक्स्ट टैब ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या डिटेल्स हमारे को भरनी है। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो हमारे एग्जांपल में हमारी कोई सैलरी इनकम नहीं है, हम बिजनेस करते हैं इसलिए यहाँ पे हम कुछ भरेंगे नहीं, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। फिर पूछा जा रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, तो जैसा कि आपको मालूम होगा याद होगा हमारे एग्जांपल में हमने 2,05,000 रुपए का हाउसिंग लोन पे ब्याज दिया है जो हमें यहाँ पे फिल करना है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करेंगे। एड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप पे हमने क्लिक किया है और अब पूछ रहा है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट। तो हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी है ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हम रहते हैं इसमें, हम सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने कितना इंटरेस्ट यहाँ पे किया है, तो हमने 2,05,000 का इंटरेस्ट पे किया है तो हम यहाँ पे 2,05,000 रुपए डाल देते हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 2,05,000 रुपए डाला है आपको एक एरर मैसेज दे दिया है और यहाँ पे ये बता रहा है दी अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 2,00,000 रुपीज। जैसा कि सेक्शन 24 में 2,00,000 से ज्यादा हम डिडक्शन नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप 2,00,000 से ज्यादा का फिगर भी नहीं फिल कर सकते हो। यानी अगर आपने 2,00,000 से ज्यादा ब्याज दिया है तो आपको 2,00,000 रुपए ही यहाँ पे फिल करना। हमने 2,00,000 यहाँ पे फिल कर दिया। अब देखोगे आपकी जो यहाँ इनकम है वो -2,00,000 रुपीज हो गई, यानी कि जो भी आपका और इनकम है उससे ये 2,00,000 रुपए कम हो जाएंगे। अब एड पे हम क्लिक करेंगे। एड पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप देखोगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में -2,00,000 यहाँ मेन पेज पे शो हो रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एड डिटेल्स, एड डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे। आपके बिजनेस का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, हम यहाँ पे अपने बिजनेस का एक नाम दे देते हैं XYZ एंटरप्राइजेस। बिजनेस कोड पूछा जा रहा है तो हम रिटेल ट्रेड यहाँ पे डाल देते हैं। हमने कोड सेलेक्ट कर लिया है रिटेल सेल ऑफ फूड बेवरेजेस एंड टब, तो हमने यहाँ पे कोड सेलेक्ट कर लिया है रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट। हम एड पे क्लिक कर लेंगे। डू यू वॉन्ट टू एड अनदर बिजनेस, हम एक ही बिजनेस कर रहे हैं तो हम इसको एड नहीं करेंगे। अब यहाँ से ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स आपका पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको दो बॉक्स मिलेंगे, एक बॉक्स है कि चेक से, बैंक ड्राफ्ट से, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको कितने पैसे मिले हैं और उसके अलावा आपको कितने पैसे मिले हैं। ये दोनों बॉक्स अलग अलग इसीलिए हैं, डिजिटल मोड से जितना भी पेमेंट आपको मिला है उसके ऊपर में मिनिमम आपको 6% प्रॉफिट दिखाना कंपल्शन है और उसके अलावा जो मोड है यानी कि अगर आपने कैश में जो भी काम किया है उसके ऊपर में मिनिमम 8% का प्रॉफिट दिखाना जरूरी होता है, इसीलिए ये दोनों टैब यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे को जितना भी पैसा मिला है वो सारा का सारा डिजिटल मोड के थ्रू मिला है। हमारा जो टर्नओवर था वो 25,00,000 रुपए था, हम यहाँ पे 25,00,000 अपना ग्रॉस टर्नओवर दिखा देंगे। तो क्योंकि हमने सारा कुछ डिजिटल मोड में लिया है तो मिनिमम 6% का प्रॉफिट हमें सेक्शन 44AD में दिखाना होगा। 25,00,000 का 6% 1,50,000 रुपए होता है, तो मिनिमम से मिनिमम जो अमाउंट यहाँ पे आपको बढ़ना है वो 1,50,000 रुपए बढ़ना है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो आप यहाँ पे ज्यादा भी शो कर सकते हो। हमारे एग्जांपल में हमने 5,50,000 रुपए का प्रॉफिट बचाया था अपने इस टर्नओवर के ऊपर में, इसलिए हम यहाँ पे 5,50,000 रुपए टाइप कर देंगे। ये 6% वाले कॉलम में हमने 5,50,000 रुपए डाल दी। लास्ट में नीचे में एड पे क्लिक कर लेंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी 5,50,000 रुपए आपके मेन शीट पे शो हो गए। इसके बाद में जो लास्ट
टाइप ऑफ इनकम है इस फॉर्म में, वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐड डिटेल्स पे क्लिक कर लेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक, यस कर देंगे। अमाउंट पूछा जा रहा है, एग्जाम्पल में हमने 12,600 रुपए का सेविंग्स बैंक पे ब्याज मिला है हमारे को, तो हम 12,600 रुपए यहाँ पे डाल देंगे। फिर पूछा जा रहा है कि क्या आपको कोई डिपॉजिट पे यानी FD पे RD पे पोस्ट ऑफिस में या बैंक में कुछ ब्याज मिला है, तो हमारे को मिला है FD पे ब्याज, तो इसको भी हम यस करेंगे। और हमारे एग्जाम्पल में हमारे को 13,700 का ब्याज मिला है जिसको हम यहाँ पे फिल कर लें। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और पूछ रहा है दोस्तों आपसे यहाँ पे, अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप यस करिए, नहीं तो बाय डिफॉल्ट नो का सिलेक्शन हुआ हुआ है। और जब आपको लगे आपने ये सारा भर लिया तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों आपको मेन पेज पे ले आएगा, वहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका 26,300 टोटल ये दिखाने लगा है। तो अब इस शीट पे आप नीचे में देखोगे ग्रॉस टोटल इनकम आपका 376,300 रुपए आ गया है। 5.5 लाख रुपए का आपका बिजनेस इनकम है, 26,300 का अदर सोर्सेज से इनकम है, और हाउस प्रॉपर्टी में आपको -2 लाख रुपीज है जो आपने ब्याज दिया है। तो सबको जोड़ने पे 376,300 रुपए बनते हैं जो हम अब कंफर्म कर दें। तो ये आपको बाहर वाले मेन शीट पे ले आया है। अब आपका ग्रॉस टोटल इनकम वाला टैब भी ग्रीन में चेक हो गया है, कंफर्म हो गया है। अब डिस्क्लोजर वाला जो अगला टैब है वो इनेबल हो गया है। अब हम इसको खोल के देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या भरना है। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, इट इज मैंडेटरी टू फिल दिस डिटेल्स, तो हम ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे आपका कैपिटल, लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंटरीज, डेटर्स, बैलेंस विद बैंक्स, कैश इन हैंड, लोन्स एंड एडवांसेस, अदर एसेट्स, टोटल एसेट्स, ये सारा कुछ पूछ रहा है। यानी कि यहाँ पे एक ये छोटा सा बैलेंस शीट जैसा है जिसका लायबिलिटी साइड भी, एसेट साइड भी है। इन फिगर्स से रिलेटेड जो भी आपके बैलेंसेज हैं वो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताने पड़ेंगे। तो इनमें से आप देखोगे कुछ एस्ट्रिक मार्क में कंपलसरी है, बाकी पे कोई एस्ट्रिक मार्क नहीं है। तो जो एस्ट्रिक मार्क वाले हैं हम उनको भर लेते हैं। संडी क्रेडिटर्स यानी कि देनदारी हमारी, हम अज्यूम करते हैं कि 1 लाख रुपए की देनदारी है हमारी 31 मार्च को। इन्वेंट्रीज यानी कि आपको आपके पास में जो 31 मार्च को स्टॉक का वैल्यू है वो अमाउंट यहाँ पे डालना है, तो हम 2 लाख का स्टॉक डाल देते हैं यहाँ पे। आपसे आपकी लेनदारी के बारे में पूछा जा रहा है, 2 लाख का हम लेनदारी भी ले लेते हैं अपना। कैश इन हैंड पूछा जा रहा है कि आपके पास में कितना कैश था 31 मार्च को, 0 कर देते हैं इसको दोस्तों, क्योंकि हमने सारा कुछ डिजिटल मोड में ही काम किया पूरे साल। तो आप देखेंगे आपका एसेट साइड का टोटल 4 लाख रुपए हो गया है, तो लायबिलिटी साइड में भी टोटल 4 लाख रुपए होना चाहिए जिसमें संडी क्रेडिटर 1 लाख रुपए है, तो कैपिटल हम 3 लाख रुपए कर। ये फिगर्स मैंने यहाँ पे सिर्फ अज्यूम किया है इस फॉर्म को भरने के लिए, किस तरह से हमारे को भरना है। आपको इन फील्ड्स में वही डालना है जो आपके बही खाते आपके अकाउंट्स कह रहे हैं, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे इसको फिल करना रहेगा। अब ऐड पे यहाँ क्लिक करेंगे तो देखेंगे दोस्तों आपको एक बैलेंस शीट जैसा डिस्प्ले हो गया है यहाँ पे। उसके नीचे में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स रिपोर्टेड फॉर GST, अगर आपके पास में GST नंबर है तो GST में आपने कितना टर्नओवर रिपोर्ट किया है वो यहाँ पे डालना है। अगर किसी के पास में GST नंबर नहीं है तो आप इस फील्ड को इग्नोर कर सकते हो। हमारे पास में GST नंबर है तो हम यहाँ पे अपना GST नंबर डाल देंगे। आउटवर्ड सप्लाई यानी कि टोटल सेल GST में जो आपने रिपोर्ट किया है वो पूछ रहा है, हमारी टोटल सेल 25 लाख रुपए है, GST में भी हमने इतना ही रिपोर्ट किया है, तो हम यहाँ पे 25 लाख रुपए फिल कर देंगे। अगर आपके पास किसी कारण से एक से ज्यादा GST नंबर है तो आप यहाँ पे ऐड अनदर करके उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे में ऐड कर लेंगे इन डिटेल्स को। थर्ड टैब है एग्जेम्प्ट इनकम का। एग्जेम्प्ट इनकम हमारा कुछ भी नहीं है हमारे एग्जाम्पल में, तो हम इसको इग्नोर करेंगे और सबसे नीचे में कन्फर्म को क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब आप देखोगे 3 टैब हमारे कन्फर्म हो गए हैं। अब जो अगला टैब है वो टोटल डिडक्शन के ऊपर में, यानी कि आपने जो भी टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट किया है तो जो डिडक्शंस आपको मिलने हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, जैसे कि सेक्शन 80C हो गया, 80D हो गया, या NPS से रिलेटेड आपके इन्वेस्टमेंट्स हो गए। तो हम अब यहाँ पे टोटल डिडक्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कुछ सेक्शन के डिडक्शंस आपको शो हो रहे हैं पर सारे के सारे शो नहीं हो रहे हैं। सबसे कॉमन सेक्शन जो है 80C वाला वो आप देखोगे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, शो ऑल डिडक्शंस का ऑप्शन है यहाँ पे, शो ऑल पे हम क्लिक करेंगे तो जितने भी डिडक्शन इनकम टैक्स में अवेलेबल है वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं। तो 80C जो सबसे कॉमन है हमने उसको क्लिक किया और ऐड किया। अब आपसे अमाउंट पूछ रहा है, हमारे एग्जांपल में हमने 55,000 रुपया 80C में दिखाया हुआ है, तो हम 55,000 रुपया यहाँ पे डाल देंगे। 80C जैसा कि 80C में आप अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अपने बच्चों की स्कूल फीस, NSC में अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, या हाउसिंग लोन आपका चल रहा है तो उस पे जो प्रिंसिपल पोर्शन है वो आपका PF, PPF, ये सारी इन सारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उसको टोटल करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद में हमने ऐड किया। इसके अलावा हमारा 80D यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन है, तो हम देख लेते हैं 80D में
हमें जो डालना है वो कहाँ डालना है, शो ऑल डिडक्शन, ATD सेलेक्ट किया, ऐड किया। आपसे पूछा जा रहा है वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, तो हम अभी सीनियर सिटीजन नहीं हुए हैं तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने अपने और अपने परिवार के ऊपर में कितना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है। हमारे एग्जाम्पल में हमने 15,000 रुपए लिए हैं तो यहाँ पे हम 15,000 रुपए टाइप कर देंगे। अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए भी कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है तो उसका फिगर आपको यहाँ पे डालना रहेगा। अगर नहीं लिया है तो आप इसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि हमने अपने पेरेंट्स के ऊपर में कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया है तो हम उसको इग्नोर करके ऐड कर लेंगे अब फाइनली। अब क्योंकि इस पेज पे शायद हमने कुछ डिटेल जो भरनी थी वो नहीं भरी थी, तो आप देख सकते हो किस तरह से हमारे को एक एरर मैसेज दे दिया है, प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। हम सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन। क्योंकि आप कुछ यहाँ पे क्लेम नहीं कर रहे हो तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये सेलेक्ट करने के बाद में हम ऐड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों जैसा कि आपको एग्जांपल में याद होगा हमारे को कुछ ब्याज अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट पे मिला था, तो अगर आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट पे कोई भी ब्याज मिलता है तो 10,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन ATTTA में। तो सेक्शन ATTTA हम सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे और 10,000 जो मैक्सिमम अमाउंट है डाल देंगे, क्योंकि हमारे को टोटल ब्याज जो मिल रहा था वो करीब करीब 12,500 के आसपास का मिला था, तो 10,000 मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं, तो 10,000 जो मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे डाल दिया और ऐड पे क्लिक कर दी। तो इस तरह से दोस्तों हमने डिडक्शन से रिलेटेड सारी डिटेल्स भर ली हैं जो हमारे एग्जांपल में थे। तो अब हम पेज के लास्ट में सबसे नीचे में कंफर्म का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। अगला जो टैब है वो टैक्स पेड का टैब है। अगर आपने कोई भी टैक्स पे किया हुआ है, आपका TDS कटा हुआ है, तो इस टैब में वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। क्योंकि हमारा जो नेट इनकम है वो टैक्स के दायरे में नहीं आ रहा है, तो हमने कोई एडवांस टैक्स भी इसीलिए पे नहीं किया था हमारा। आप यहाँ पे देखेंगे कोई TDS भी डिडक्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन शो होगी आपको उसको चेक करना है, वेरीफाई करना है, और अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो कंफर्म करना। अब आखिरी टैब दोस्तों इनेबल हो गया है टोटल टैक्स लायबिलिटी का। यहाँ पे आपको आपने जो भरा है फॉर्म उसके बेसिस पे कंप्यूटेशन दिखाया जाएगा आपका, और जो भी टैक्स आपका बनता है उस इनकम के बेसिस पे वो बताया जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आ गया, आपका ग्रॉस टोटल इनकम 376,300 है, डिडक्शन आपको 80,000 रुपए का मिल रहा है, तो नेट इनकम आपकी 296,300 हो गई है। आपको टैक्स देना है 2,315 रुपए पर। सेक्शन 87A में आपको 2,315 रुपए का रिबेट मिल जाएगा, क्योंकि 5,00,000 रुपए की इनकम तक जो भी टैक्स बनता है वो सेक्शन 87A में रिबेट के तौर पे सभी को मिल जाता है। तो जो 2,315 रुपए टैक्स बन रहे हैं वो हमारे को पे नहीं करने हैं, क्योंकि सेक्शन 87A में इसका रिबेट मिल गया हमारे को, तो हमारी जो नेट टैक्स लायबिलिटी है वो जीरो ही रहेगी। तो हम इसको भी कंफर्म कर देते हैं। इस तरह से आपने ये सारे ऑप्शन फिल कर लिए हैं अपने इनकम से रिलेटेड। अब आप देखोगे प्रोसीड का जो बटन है वो इनेबल हो गया था, हम प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। अब आपने जो फॉर्म भरा था उसके बेसिस पे आप चाहते हो आप अपने इस फॉर्म को डाउनलोड कर लो या प्रिंट कर लो, तो दोनों ऑप्शन दिए हैं, प्रिंट का भी ऑप्शन है, डाउनलोड का भी ऑप्शन है, ताकि फ्यूचर में कभी आपको जरूरत पड़े तो आपके पास में सेव हुआ हुआ या प्रिंट हुआ हुआ मिल जाए। अब देखेंगे यहाँ पे अमाउंट पेबल जीरो आ रहा है, रिटर्न समरी आ रही है, पे लेटर आ रहा है, और पे नाउ का जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं हुआ हुआ है, क्योंकि कोई टैक्स पे करना नहीं है इसलिए इनेबल नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे कोई अमाउंट आता तो पे नाउ इनेबल हो जाता। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे को कोई टैक्स पे नहीं करना है तो जो ऑप्शन यहाँ पे इनेबल है वो पे लेटर का है, तो पे लेटर पे हम क्लिक करेंगे और प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपसे आपका नाम पूछा जा रहा है, फादर्स नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है, इनकैपेसिटी है, सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव करता पूछा जा रहा है, तो सेल्फ हम सेलेक्ट करेंगे, पैन नंबर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ये सारा कुछ डिस्प्ले होने के बाद में आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप देखोगे आपका ITR4 सुगम फॉर्म जो है इनकम टैक्स का असेसमेंट ईयर 21-22 का वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप इसको पूरे फॉर्म को चेक कर सकते हो, भरा हुआ जो फॉर्म है, और अगर आपको लगता है सब कुछ सही है यहाँ पे तो आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर्स वे फाउंड। अगर यहाँ पे आपके फॉर्म में कोई भी एरर इस सॉफ्टवेयर को नजर आएगा तो आपको बता देगा। अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये JSON फाइल डाउनलोड कर लेना है। तो हमने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लिया, हमारा JSON फाइल डाउनलोड फोल्डर में जाके सेव हो गया। अगर आपको एरर मिलता है तो बैक बटन पे जाके जो भी एरर आपको बताएगा वो ठीक कर लेना है, और इस पेज पे आके वैलिडेशन सक्सेसफुल करा के आपको अपना JSON फाइल डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों इस तरह से आपने इस ऑफलाइन यूटिलिटी को पूरा भर लिया है, फिल कर लिया है और अपना JSON डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद में अब आपको अपनी रिटर्न
फाइल करने के लिए अपने इनकम टैक्स के लॉगिन में जाना है, फॉर्म नंबर सेलेक्ट करना है और ये जेसन यूटिलिटी जो डाउनलोड हुई है वो वहाँ पे अपलोड कर देना है, सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। याद रहे यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, आपको रिटर्न अपलोड करने के बाद में या तो उसको ई वेरीफाई करना होगा या फिर साइन करके सीपीसी बेंगलुरु भेजना होगा। ये काम जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं करते हो तो 120 दिन बाद आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। दोस्तों इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपने आप अपना ITR-4 भर सकते हो अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हो छोटा या बड़ा जिसपे की टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है।